तो चलो यार जल्दी से चलते हैं, आज बहुत लेट हो गया। पेट्रोल पंप पर चलते हैं वरना बॉस नौकरी से निकाल देगा। चलो साइकिल से चलते हैं, नौकरी से निकाल देगा, मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं रह जाएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग इसकी साफ सफाई कर दें। तो चलो ये क्लीन हो चुका है, देखते हैं कोई अरे लगता है कोई आ गया। हाँ सर, कितने का पेट्रोल डाल लो? 100 रुपये का डाल दे। एक हैंक कार्ड डालता हूँ। लो अंकल पड़ गया। ये ले पैसे। जी सर बताइए, कितने का पेट्रोल? पेट का टंकी फुल कर दो। ठीक है अंकल, लो अंकल पड़ गया, टंकी फुल हो गई कितने पैसे हुए बेटा? अंकल। 600। ये लो 600। ठीक है, ठीक है अंकल। तो चलो यार रात हो चुकी है, अब चलते हैं घर पर सोने। तो लो मैं घर पर पहुंच भी गया। चलो अब सीधा बेड पर छलांग लगा कर एकदम सो जाएंगे और फिर सुबह उठकर देखते हैं क्या होता है। तो यार सुबह भी हो गई है और टाइम तो बहुत लेट हो गया। चलो बहुत जल्दी से चलते हैं। मेरी कल साइकिल रात में बाहर ही खड़ी रह गई थी रात के चक्कर में, यही हुआ कि कोई कोई चुरा कर नहीं ले गया। चलो जल्दी से चलते हैं जल्दी से। तो यार मैं पहुंच तो गया हूँ लेकिन आज यहाँ पर बॉस क्यों खड़े हैं? चलो देखता हूँ क्या हो गया। बॉस आज बहुत जल्दी आ गए आप। साले तू इतनी देर करता है, मैं तेरे को नौकरी से निकाल रहा हूँ, चला जा यहाँ से और कभी भी लौट कर मत आना। अरे सर सर्वर कुछ नहीं, बस चला जा यहाँ से। आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। और जाते जाते अपनी सैलरी भी लेते जा। ठीक है सर। तो यार सर ने तो मुझको निकाल दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ? चलो आज मैं एक दुकान खोलता हूँ साइकिल की, साइकिल या स्कूटी, देखते हैं कौन, दो तीन इसमें जो भी मिल जाए। चलो देखते हैं। तो मेरे को तो इतने पैसे में बस 3 ही स्कूटी मिली, तो चलो कोई बात नहीं है, शाम तक देखते हैं, अगर बिक जाती है तो और भी खरीदेंगे। तो चलो मेरी तो स्कूटी सब बिक गई है, अब एक बची है, तो इसको चलो लेकर चलते हैं और अपनी साइकिल को यहीं खड़ी रहने देते हैं। चलते हैं किसी की दुकान और एक दुकान खरीदेंगे और उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी रखेंगे और साथ में अपनी स्कूटी भी रखेंगे। तो चलो वो आगे वाली दुकान खरीदने के लिए चलते हैं। तो चलो मैंने दुकान भी खोली और गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी हैं, तो देखते हैं शाम तक ये बिक जाती हैं तो और भी देखेंगे। तो मेरी सभी गाड़ियाँ बिक चुकी और अभी एक स्प्लेंडर बची और कुछ पैसे भी आ गए हैं। तो चलो चलते हैं अब और भी गाड़ी खरीदने, तो देखते हैं और कोई मिलती है या फिर नहीं। तो मैंने कुछ कार खरीदी है और उसको यहाँ पर लोड करवा देते हैं और यहाँ पर कल सुबह तक हो जाएंगी। चलो कॉल कर दिया मैंने। तो चलो अब घर भी चलते हैं क्योंकि शाम हो गई है और रात भी होने वाली है थोड़ी देर में। तो यार सुबह हो चुकी और मैं दुकान पर आ गया और सामने तो गाड़ियाँ तो खड़ी हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। ओ भाई ये तो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। चलो देख, और इसी तरह मैं बिजनेस करते करते एक बड़ा आदमी बन गया। और हाल ही मैंने एक घर खरीदा और एक कार खरीदी और पहनने के लिए कपड़े भी खरीदे। तो चलो आज चलते हैं इस कार से घूमने। तो यार घूम ही रहा था तभी मेरे को अचानक से मेरे बॉस दिख गए। तो मैंने सोचा चलो आ देखते हैं बॉस तो यहाँ पे बाहर क्यों खड़े हैं, देखते हैं। अरे क्या हो गया बॉस, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? अरे बेटा, मैंने जब से तुमको निकाला है तब से मेरी बहुत घाटा चल रहा है और मेरा जो पेट्रोल पंप था उसने वो भी एक बंदे ने हड़प लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। अरे अंकल आपका पेट्रोल पंप हो गया तो आप खाना पीना कहाँ से खाते हो? बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं, तो मैं खाना पीना क्या खाऊंगा। अरे तो लो अंकल मैं थोड़े से पैसे आपको दे देता हूँ, ये लो अंकल 1 लाख रुपए, और इनसे खाना पीना ले लेना और खाने पीने के बाद वो सामान भी ले लेना। चलो मैं अब चलता हूँ। इस तरह मैं मेहरबानी बन गया, तो तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने के लिए। बाय।